सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन में हम प्रथम प्रकरण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें 10 प्रकार के पुण्यों का प्रकरण चल रहा था। 10 प्रकार के पुण्य और 10 प्रकार के ही पाप शरीर वाणी और मन से होते हैं, और इसी को धर्म कहा गया है। मनुष्य मात्र का परम धर्म, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है, इसी गुणों के आधार पर मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। धर्म में रत होने से व्यक्ति को मनुष्य कहा जाता है, वरना आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समान। अर्थात आहार निद्रा भय संतानोत्पत्ति ये सब तो समान रूप से पशु में भी ये गुण पाए जाते हैं, तो मनुष्य उससे भिन्न कैसे है, पशुओं से भिन्न मनुष्य कैसे है? तो मनुष्य में एक मनुष्यता है जिसका गुण है धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म नामक एक तत्व है जो अधिक है। पशु पंक्षियों के अलावा मनुष्य में धर्म नामक तत्व अतिरिक्त होने से मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। धर्मेण ही ना पशु ही समान, यदि मनुष्य धर्म से रहित हो जाए, धर्म विहीन हो जाए, तो फिर वो पशु के समान हो जाए। इसीलिए महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमादमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण, ये 10 लक्षण जहां पर विद्यमान हो, जिस मनुष्य में विद्यमान हो, उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है। धृति अर्थात धैर्य धारण करना, विपरीत परिस्थितियों में भी, विकट से विकट परिस्थितियों में भी, प्रतिकूलताओं में भी अपना धैर्य न खोना, अपना आत्मविश्वास न खोना, इसको धैर्य कहते हैं, धृति कहते हैं, और ये मनुष्य का धर्म है। क्षमा, मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, जो अपकार करें उसको भी उपकार की भावना होनी चाहिए मन से। मन में किसी के भी प्रति अपकार की भावना न हो, जो अपकार करने वाले हैं उनके प्रति भी उनका भी भला हो, ऐसी भावना रखना, इसको क्षमा कहते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु मारी लात। बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि वो छोटे को अपराध को क्षमा करते हैं, यही बड़ों का बड़प्पन है। वरना भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी तो क्या विष्णु की महत्ता घट गई? नहीं घटी। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु मारी लात। इसलिए बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि छोटे के अपराध को क्षमा करे जहां तक हो सके। यदि अक्षम में ना हो, सामान्य रूप से छोटी छोटी गलतियों पर ही हम उतावले हो जाते हैं, छोटे छोटे गलतियों को भी अपने से छोटे को हम क्षमा नहीं कर पाते, वहीं से अधर्म बढ़ता है और पापाचरण चलता है। इसलिए मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। और दम अर्थात मन को सन्मार्ग की ओर ले चलना, मन को कुमार्ग की तरफ न जाने देना, सदैव सत्मार्ग की तरफ ले जाना, ये दम है। धृति क्षमा दमस्तेयम, अस्तेय अर्थात चोरी का भाव न रखना, मन में भी किसी के पर द्रव्य अभीप्सा न रखना, दूसरे के द्रव्य की चोरी न करना, या उस चोरी का भाव भी मन में न होना, इसको अस्तेय बोलते हैं। शौचम अर्थात
बाह्य और आंतरिक शुचिता रखना, पवित्रता, शौच अर्थात शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता। वो दो प्रकार की स्वच्छता होती है, शुचिता होती है, एक बाह्य शुचिता जो जल आदि के द्वारा होती है, और एक आंतरिक शुचिता जो विद्या से होती है। वो आंतरिक शुचिता और बाह्य शुचिता दोनों प्रकार के शुचिता से युक्त होना ये धर्म का लक्षण है। त्रिविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, सत्य बोलना, सत्य ही सुनना, सत्य ही करना, सत्य का ही आचरण करना, ये सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सदा सत्य बोलना, सत्य ही करना, सत्य ही बताना, सत्य का स्वयं आचरण करना और दूसरों से कराना, ये धर्म का लक्षण है। तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को भोग वासना की तरफ न जाने देना, उसको नियंत्रित करना, ये इंद्रिय निग्रह। धीः अर्थात बुद्धि को सज्ञान से भरकर सन्मार्ग की तरफ ले जाना, सदैव सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करना दूसरों को भी और स्वयं को भी, ये धीः। विद्या विवेकशील होना, ज्ञानवान होना, जो भी कर्म करे विवेक पूर्वक करे, शास्त्र अनुकूल करें, श्रेष्ठ जनों के अनुकूल करें, वेदानुकूल करें, यह विद्या का स्वरूप है। स्थिर विद्या सत्यम अक्रोध, अक्रोध अर्थात किसी पर क्रोध न करना, अनावश्यक क्रोध न करना, जहां पर कोई क्रोध की आवश्यकता न हो वहां पर अनावश्यक क्रोध न करना, ये धर्म के लक्षण कहे गए, और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने यम और नियम के माध्यम से भी कहा है, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयानो छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्याय स्मरणानि नियमः। अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना, त्यागपूर्वक भोग, न्यूनतम से न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना, इसी को अपरिग्रह कहा है। और यह जो यम इसको कहा, जाति देश काल समयानो छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात यह समस्त जाति के लिए, केवल एक जाति के ऊपर नहीं यह लागू होता है कि मनुष्य जाति पर मैं हिंसा नहीं करूंगा, मनुष्य जाति पर मैं अहिंसा का पालन करूंगा, अन्य जीवों पर मैं हिंसा करूंगा, अन्य को तो मारूंगा, ऐसा नहीं। जाति देश किसी भी जाति पर, किसी भी देश में, कोई भारत ही देश का वर्णन नहीं है यहाँ पर, चाहे कहीं भी पृथ्वी के किसी भी कोने में रहें, उस समस्त व्यक्तियों के लिए यह परम आवश्यक है कि वो इन व्रतों का पालन करें। जाति देश काल सभी कालों में, ऐसा कोई नहीं कि एकादशी के दिन मैं नहीं करूंगा बाकी दिन करूंगा, या शुभ तिथियों को नहीं करूंगा बाकी दिन तो करूंगा, ऐसा नहीं। जाति देश काल समयानोचित, कोई समय के बाद सार्वभौम महाव्रतम, ये सार्वभौम व्रत है, इसको महाव्रत कहा गया है, ये सभी के लिए सामान्य धर्म है, ये सभी को करना है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर परिधाना नियमा, शौच संतोष तप अर्थात तपोद्वंद्व सहनम, भूख प्यास सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता, इनको सहन करना, इसको तप कहते हैं। स्वाध्याय अर्थात मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अनुशीलन एवं पवित्र गायत्री आदि मंत्रों का जाप करना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। और ईश्वर परिधान ईश्वर भक्ति अर्थात समस्त कर्मों को उस परमपिता परमेश्वर को अर्पित करके, ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करना, ये ईश्वर भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है। यह मनुष्य की मनुष्यता किसमें है, ये जो अभी धर्म जिसको पुण्य कर्म कहा, हम पिछले एपिसोड में पढ़ा पुण्य कर्म 10 प्रकार के,
उसी को अन्य शास्त्रों में अलग अलग शब्दों से, कहीं महाव्रत, कहीं धर्म इत्यादि शब्दों से कहा गया है। तो धर्म पूर्वक वर्तन यही सुख का साधन है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान से मोक्ष होता है, और धर्म ही मोक्ष का साधन है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय को हमारे यहाँ गिनाया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार चीजें समाविष्ट है। धर्म जो अभी हमने समझा, ये सब धर्म के लक्षण है, धर्म के स्वरूप है। और धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन करना, उसे अर्थ कहते हैं। यदि अर्थ को धर्म पूर्वक ना कमाया जाए तो वह अनर्थ का हेतु बन जाता है। वह अर्थ अर्थ नहीं रह जाता अपितु अनर्थ हो जाता है। धर्म, अर्थ और काम, उस अर्थ से अपनी सात्विक कामनाओं की पूर्ति करना, ये काम है। कामना यहाँ पर व्यापक अर्थ में लिया जाता है। और मोक्ष, और अंततः सभी प्रकार के दुखों से छूट जाना, ये सबको अभीष्ट है, प्राणी मात्र को ही अभीष्ट है। इसलिए धर्म ही मुक्ति का द्वार है। धर्म से हम सब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय की बड़ी महत्ता है। पुरुषार्थ शब्द परिश्रम अर्थ में नहीं है। सामान्यतः हम पुरुषार्थ शब्द को परिश्रम अर्थ में ले लेते हैं। पुरुषार्थ शब्द परिश्रम अर्थ में नहीं है, इस शब्द की दिव्यता है। अर्थात वैसा कर्म, वैसा परिश्रम जिसके मूल में धर्म और परिणाम भगवत प्राप्ति हो, उस परिश्रम को पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए शब्दों की दिव्यता पर भी हमें विचार करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है, और ये धर्म ही सुख का हेतु है, सुख का कारण है। बिना धर्म के फिर दुख ही दुख है। इसलिए जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की यह परम कर्तव्य बन जाता है कि वो धर्म ही करे, धर्म ही कराए, धर्म में ही जिए। और ये सबको इष्ट है, ऐसा कोई नहीं चाहता। एक चोर से चोर व्यक्ति भी अपने सामान की चोरी नहीं चाहता। ये बहुत ही विलक्षण चीज है कि चोर से चोर व्यक्ति भी अपने सामान की चोरी नहीं चाहता। भयंकर से भयंकर हिंसक व्यक्ति भी अपने स्वजन की हिंसा नहीं चाहता। दुराचार, व्यभिचार करने वाले भयंकर से भयंकर व्यभिचारी लोग भी अपने स्वजन के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म न हो जाए, ऐसा ही चाहते हैं। उनको भी यह अभीष्ट नहीं होता है कि हमारी स्वजन के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर दे। ये मनुष्य मात्र की मूल मांग है, एक सामान्य अभिप्सा है। इसलिए मनुष्य को अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए हमें कभी दुख ना हो, कभी कष्ट ना हो, इसको चाहने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो धर्म ही करे। और ये मनुष्य मात्र ही नहीं, ये पशु पक्षी भी चाहते हैं धर्म में बरतना। जैसे सामान्य तौर पर हमने किसी कुत्ते को देखा होगा, वो जब घर से रोटी लेकर भागता है तो वो वहीं सामने नहीं खाता, वो लेकर भागता है और जाकर किसी दूसरे जगह पर खाता है, सामने नहीं खाता। क्योंकि उसको भी पता है कि हमने चोरी की है और ये गलत काम है, इसलिए वो छिप कर उसको खाता है। और यदि उसी रोटी को हम अपने हाथों से उसको दे दे तो हमारे सामने निर्भय होकर खाता है, फिर कोई भय नहीं उसको होता। तो वो पशु भी, पशु को भी इतना मालूम है कि ये गलत काम है, इसलिए वो भय युक्त रहता है। जब गलत काम करता है तो उसको भय लगता है। और धर्म को जांच करने की एक सामान्य प्रक्रिया ये है कि जिस कार्य को करने से निर्भयता आए, हम भय से युक्त ना हो, तो
वो समझें को धर्म का कार्य है और वही करणीय है। वही ऋषि महर्षियों का उपदेश है, वही वेद शास्त्रों का कथन है, उसे ही मानकर हमें करना चाहिए, जीना चाहिए। इसलिए धर्म ही करें, धर्म ही बोले, धर्म ही सुने, धर्म में ही बरते। यदि ऐसा ना हो, किसी को ऐसा इष्ट ना हो, इस प्रकार का समाज, इस प्रकार का राष्ट्र किसी को अभिष्ट ना हो, धर्म से युक्त। इसलिए एक शब्द, बड़े भ्रामक शब्द का प्रचार किया जाता है, धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब धर्मरहित, धर्मरहित देश की कल्पना आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए धर्म निरपेक्ष होता है, धर्म सापेक्ष होता है, जो भी चीजें होती है धर्म सापेक्ष होती है। तो इसलिए ऐसी राष्ट्र की कामना करने वाले जो धर्म सापेक्ष, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद, ऐसी शासन व्यवस्था कैसे आएगी? ये आध्यात्मिकता से ही आएगी। आध्यात्मिक के अतिरिक्त, अध्यात्म का अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है हमारे पास। और कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि अध्यात्म से रहित भी ऐसी विश्व की कल्पना, ऐसी राष्ट्र की कल्पना करे, तो वो उसको एक प्रकार का ढीठ ही कहा जाएगा, क्योंकि वो मानता तो सब अध्यात्म की प्रणाली ही है, अध्यात्म की पद्धति ही है, परंतु वो शब्द लेने से उसको ग्लानि का भाव या पता नहीं कैसे उसकी भावना रहती है कि वो धर्म शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन सारी चीजें मानता वही है, चाहे वो किसी प्रकार की राष्ट्र के चिंतक हो, जो एक अच्छे राष्ट्र की कामना करने वाले हों, उन सब की यही विचारधारा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर चोरी न हो, जहां पर कोई दुष्कर्म न हो। तो इस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। इसलिए अध्यात्म से अनुप्राणित शासक यह घोषणा करता है, नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपह नाना हिताग्र ना विद्वान न स्वैरिणी स्वैरिणी कुतः। नमेस्तेने जनपद, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई मद्यप नहीं है, कोई मद्यपान करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई मांसाहारी नहीं है, नाना हिताग्निर ना विद्वान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने धर्म में रत नहीं हो, सब अपने धर्म में रत रहने वाले हैं, और कोई अविद्वान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, सब पंडित है, सब शास्त्रों के ज्ञाता है, सब धर्म पर चलने वाले लोग हैं, न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। जब व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो स्त्रियों का कहना ही क्या है। सब ऐसी शासन व्यवस्था आप कल्पना करें, सुनकर ही कितना हृदय पुलकित हो जाता है। इसी को धर्मराज्य कहा गया है, इसी को रामराज्य कहा गया है, इसी को धर्म सापेक्ष पक्षपात विहीन राज्य कहा गया है, और इसी राज्य का वर्णन शास्त्रों में है, वेदों में है, उपनिषदों में, भगवान राम के राज्य में कहा जाता है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, न कोई अबुद न लक्षण ही ना, सब न रकर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब अपने अपने धर्म में रत रहते थे, कोई लक्षणहीन नहीं होता था, कोई दरिद्र नहीं होता था, कोई दुखी नहीं होता था, सब परस्पर सामंजस्य पूर्वक सब व्यवहार करते थे, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यतः। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक इन सारे प्रकार के दुखों से रहित होते थे मनुष्य, ऐसी राम राज की कल्पना, ऐसे धर्म राज की कल्पना। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु ही व्यापा। अल्प मृत्यु नहीं कवनहु पीरा सब सुंदर सब विरज शरीरा। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई अपंग नहीं होता था, सब सुंदर होते थे, सबका शरीर निर्मल, अंतःकरण शुद्ध, शरीर स्वस्थ होता था।
ऐसी राज की कल्पना। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब उदार चरित्र वाले होते थे, सबका हृदय उदार होता था, सब पर उपकार में रत रहते थे, सब विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी। सब पुरुष एक पत्नी व्रत पालन करने वाले होते थे, सब स्त्रियां एक पति व्रता होती थी। इस प्रकार के राज की कल्पना सुनने से ही हृदय पुलकित हो जाता है। ऐसी राज की कल्पना बिना अध्यात्म के असंभव कार्य है, और इसमें शासन व्यवस्था कितनी कर पाए ये अलग बात है, लेकिन हम सबका परम धर्म है कि इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसे आध्यात्मिक राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं, अत्याचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, ये बिना धर्म के हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म को वरतना, धर्म को करना एक अच्छे राष्ट्र की कामना के वाले व्यक्तियों के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार से न्याय दर्शन के प्रथम प्रकरण जो दो सूत्रों का था, जिसमें 10 प्रकार के पुण्य और 10 प्रकार के पाप कर्मों का उल्लेख आया, आगे प्रकरण प्रमाण का चलेगा जो इसका मुख्य प्रतिपाद विषय है न्याय दर्शन का, जिसके द्वारा किसी भी चीज को जांचने परखने का एक तराजू समझिए कि तराजू से जैसे बांट से जैसे किसी वस्तु को नापा तोला जाता है, उसी प्रकार किसी भी चीज को जानने के लिए जानने का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं, और उस प्रमाणों के विषय में चर्चा आगे चलेगी जो आगे के 6 सूत्रों का एक अधिकरण रहेगा, एक प्रकरण रहेगा, एक प्रसंग रहेगा। तो दूसरा प्रकरण प्रमाण का चलेगा जो आगे की कक्षा में हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति।